मान लो कुछ ये कहते हैं भी याद नहीं होता जी, पढ़ा हुआ याद नहीं होता, इसका मतलब क्या है यार? ठीक है, किसी को भी अगर कोई सोचे नहीं भी मेरे को पढ़ा हुआ याद होता, एक बार में याद हो गया, एक बार में मैंने पढ़ लिया सब कुछ याद हो गया, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, जैसे हम क्या करना होता है, जब भी हम याद करते हैं ना कोई चीज़ को, तो याद करने से सिस्टम क्या होता है, जैसे प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें कोई चीज़ का। जब आप रिविजन नहीं करते हो, मान लो तो रिविजन नहीं कर पाओगे तो वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। जैसे इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आपने पढ़ ली, जैसे एपी में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पर जो अपनी थ्योरी है उसको आपने पढ़ लिया, चलो एक बार देख लिया, अब दोबारा जैसे स्टार्ट करते हो आप ऐसे सोचोगे मेरे को याद नहीं है। तो कभी भी ये चीज़ें याद रखना, भी एक बार में 100% याद नहीं होती, आपको 20-30, जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, अपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करोगे, तो 50% तक बातें जो आपको याद हुई मिलेगी, मतलब याद बन जाएगी बातें। जैसे एक बार रिवाइज करोगे 50% गया आपका, यानी जैसे जैसे याद करोगे 5-10% बढ़ता जाएगा। यानी कम से कम आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी इतनी आसान नहीं है, भी उसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 बार नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, कम से कम 5 से 6 बार, और ज़्यादा जितने ज़्यादा पढ़ोगे उसको बार बार रिवाइज करोगे वो कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तब जाके आपकी बात बनती है। और वो थ्योरी पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए हमें ट्यूशन करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे एप पे करवाए जा रहे हैं। आपको बताइए, एप पे जो है अब सारे सारे जो बच्चे हैं एप पे, ये क्वेश्चन आपको आपने देखे होंगे आज, जो कलर कोड वगैरह के क्वेश्चन हुए, प्रतिरोध के कितने क्वेश्चन हुए, ये इस प्रकार से देखेंगे आप। तो ये क्या किए, सारा का सारा सौदा इतना लपेट के छोड़ दिया आप ने। ठीक है, इसके सारे के सारे आंसर हुए हैं, क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, जैसे बीबी रोए जीबी के लिए वेरी गुड वाइफ नहीं हो सकती, इस प्रकार से भी 3 बैंड वाला क्या होता है, जैसे 4 बैंड वाला, तो ये चीज़ें आपको बताई गई है। देखो एक एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल में बताया गया है यहाँ पे आपको, पूरा इसको जीटीसी क्या होता है, जेडीसी क्या होता है, ठीक है, ये एलडीआर क्या है, एलडीआर के सारे क्वेश्चन हो गए, वीडीआर क्या है, इलेक्ट्रोसिस क्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको सारे करवाए जाएंगे। अगर इस प्रकार से आप क्या करते हो, मान लो बार बार रिविजन करते हो, बार बार रिविजन करते हो एमसीक्यू का, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यानी कोई भी बंदा है, आप सोचते हो ना भी मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है तो मतलब मेरे को याद बहुत ज़्यादा है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, याद आपको क्वेश्चन के तरीके आने चाहिए, क्वेश्चन के जब तक आप तरीके नहीं पता करते हो तो इसका मतलब आपको परेशानी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, आप पढ़ी रहे हो, बाकी ऐप के अंदर आप जुड़े हो हमारे साथ में, तो आपको पता भी होगा कितनी क्लासें हो चुकी है, किस तरीके से एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है, सिलेक्शन के आप कितने करीब हो, क्वेश्चन आपको किस हिसाब से, जो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सोल्व होने स्टार्ट हो गए हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ गया है, तो ऐसी चीज़ें आपके काम आएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका बेटरीन रोल पे है, जो ऐप पे आप जुड़े हो इसी पे आपका कोर्स करवाया गया है। ये चीज़ें मतलब चैनल पे इतना खतरनाक तरीके से करवाने का मतलब होता है भी, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, और ऐप पे आप सारे के सारे जितने जुड़े हो ना, वो पढ़ने वाले हो, तो आपके लिए बहुत मस्त तरीके से आपको कितने घंटे की, लगभग 1000 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 1000 क्वेश्चन के करीब आप पहुंच चुके हैं, 5-6 हज़ार क्वेश्चन अपने को प्रीवियस ईयर करने हैं, उससे आपको 10-10 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन के 10-10 क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, तो आपके लगभग हो जाएंगे, सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 22-23 क्लासें आपकी ऐप पे हो चुकी है, लगभग 40 घंटे क्रॉस आप कर चुके हैं, तो इस तरीके से रेगुलर क्लासें आती रहेगी, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। यानी ये ऐप आपके लिए बनाई गई है, तो जिनको याद नहीं होता उनके लिए ये भी रिविजन ही बेस्ट तरीका है, किसी को भी याद नहीं होता एक बार में, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, ह्यूमन नेचर है ये, जिस चीज को हम बार बार याद करेंगे वही रहेगी, जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने, नोट्स को रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सफलता मिलती है। ऐसे नहीं अभी एक बार में पढ़ा और मैं पेपर देने चला गया, मेरा पेपर क्लियर हो गया, किसी का नहीं होता भाई। ठीक है ना, किसी का नहीं होता, बहम होता है आपका, तो बहम को निकाल तो दिमाग से, जितना उसके उसको रिवाइज करना है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी को जितना उसके रिवाइज करना है, रिवाइज जितनी करोगे उतनी ज़्यादा याद होगी। ठीक है ना, एक बार पढ़ लिया और आप सोचते हो मैं पेपर देने जाऊँ सारा कुछ क्लियर हो जाए, तो बहम है आपका, बहम निकाल देना। ठीक है, बार बार याद करो, बार बार याद करो, पहले याद करो, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन लगाने सीखो, जिस तरीके से आपको करवाए जा रहे हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा, और इस बात को मैं भलीभांति जानता हूँ। ठीक है, आपको पता भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ किस तरीके से सिलेक्शन लिया जाता है, किस तरीके से सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो होता है रिवीजन, और रिवीजन प्लस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले लगाएं अपने सारे के सारे, उसके बाद एमसीक्यू में क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद टेस्ट सीरीज करें, तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो आपको पता भी है, आराम से हो ही जाता है कुछ भी, जो भी है।
ठीक है, बाकी आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, एप वाले तो सब सेलेक्ट हो ही जाएंगे, आपको पता ही है ना, सारे के सारे सेलेक्ट ही हुआ हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं।